स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट हो चुका है दोस्तों आज का ये सेशन, और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो नीचे प्ले स्टोर में लिंक दी गई है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है ना, आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। और दोस्तों ये सेशन आपका रोज निरंतर रात्रि 9 बजे चलता है, जिसमें आज हम गद्य साहित्य है ना, गद्य के विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें कि सेल्फ स्टडी क्लासेस में बहुत ही बढ़िया कोर्स लॉन्च किया गया है। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, वो नोट्स भी मंगवा सकते, जो कि कई पुस्तकों का निचोड़ ये नोट्स है, टॉपिक वाइज है, क्रमबद्ध है। दोस्तों इस नंबर पर आपको संपर्क करना, ये नंबर दिया है, और ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हो, ठीक है। हिंदी साहित्य के गद्य पद्य साहित्य वाली 3000 MCQ वाली बुक भी मंगवा सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं 3000 MCQ वाली बुक है, जिसमें हिंदी साहित्य की गद्य साहित्य पद्य साहित्य है ना के क्या है MCQ है दोस्तों, और इसमें व्याकरण के भी MCQ है, टॉपिक वाइज काव्य शास्त्र के भी है, और महत्वपूर्ण इसमें कथन भी है। तो जिनको भी मंगवाना हो संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, और ये हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य वाले नोट्स हैं, ये वाले गद्य और पद्य साहित्य वाले नोट्स हैं है ना। और दोस्तों ये 700-700 के दो नोट्स हैं, 700-700 के 1400 और 200 रुपए पोस्ट चार्ज, 1600 रुपए में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो, ठीक है। और ये दोस्तों 3000 MCQ की साथ में, अगर तीनों साथ में मंगवाना तो 2100 रुपए पे करके ये बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। संपर्क करना है, नीचे नंबर दिया गया है। और जिन भी साथियों ने TGT PGT में एडमिशन नहीं लिया वो आज ही दोस्तों TGT PGT में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स में मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं, चाहे TGT PGT वाले हो, MP TET वाले हो है ना, KBS वाले हैं, जो भी जिनको भी हिंदी साहित्य बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रिक से पढ़ना है ना, वो दोस्तों ले सकते हैं। 1500 में 12 महीने का एक कोर्स है, बहुत ही बेहतर और बढ़िया कोर्स है, जिसमें आपको दोस्तों हर एक चीज समझाई जाती है, हर एक चीज बताई जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम लेकर आए हैं, ठीक है। यहां पर अपन को क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है। निम्न में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए किस का गद्य कृति का निर्माण हुआ है फोर्ट विलियम कॉलेज। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की बात आई है तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको बताना है, ठीक है। दोनों चीजें आपको बताना है, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ। चयन कर लो और एक बार शेयर कर दो, रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास से आपको जुड़ना है दोस्तों सभी साथियों को, ठीक है। तो किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है, एक शानदार और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाइक कर दो। सभी साथी बता रहे भाषा योग वशिष्ठ, गलत। भाषा पद्म पुराण, गलत। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है ये भी बताइए, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी तो 1800 में हुई थी, 1800 ईस्वी में है ना। नासिकेतोपाख्यान ये किसकी रचना है ये भी आपको बताना है, जल्दी से बताइए कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। दो नंबर का क्वेश्चन है, सुरेंद्र जी, प्रमोद जी, आरती गौर जी, कंचन मौर्य जी, सभी लोग बताएंगे लल्लू लाल जी की कौन सी रचना नहीं है, सिंहासन 32, बेताल 25, सुख सागर या फिर लाल चंद्रिका। तो कौन सी रचना दोस्तों लल्लू लाल जी की नहीं है। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लल्लू लाल जी की रचना देखो सिंहासन 32, ये लल्लू लाल जी की है रचना, बेताल 25 भी है दोस्तों, ठीक है, और लाल चंद्रिका तो है ही इनकी है ना, लेकिन सुख सागर नहीं है, सुख सागर नहीं है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर। निम्न में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था, तीन नंबर का क्वेश्चन है, किन कवियों का दोस्तों, किन लेखकों का संबंध था, ये तीन नंबर के क्वेश्चन में सभी को बताना है, जल्दी से चयन करिए। रीता जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोगों को आंसर चयन करना है, यहां पर किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था, चयन करो और शेयर कर दो हमारे सभी साथी।
नंबर के क्वेश्चन में और सभी का आंसर है कि सर लल्लू लाल जी और सदल मिश्र जी का। जी नंबर लल्लू लाल और सदल मिश्र का जो संबंध था वो फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ठीक है, तो आपका जो डी है वो बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है। लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है, क्या नहीं है, चार में सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर या फिर चंद्रावती। लल्लू लाल जी द्वारा रचित नहीं है, क्या नहीं है रचित, कंचन जी, रीता जी, पायल रानी जी, बताइए जल्दी से, चार का उत्तर बताना है। लल्लू लाल जी द्वारा रचित नहीं है क्या, सिंहासन बत्तीसी है, शकुंतला नाटक की रचना भी इन्होंने की थी, प्रेम सागर की रचना भी इन्होंने की है, लेकिन चार का उत्तर बताना है, इनका उत्तर है चंद्रावती। डी नंबर अपन को याद रख लेना दोस्तों, ये रचना लल्लू लाल जी की नहीं है, डी आपका राइट आंसर है। डी जिन्होंने बताया चंद्रावती वो बिल्कुल शानदार आंसर है। शेयर कर दो एक बार जल्दी से, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। पांच नंबर का क्वेश्चन है, गद्य साहित्य अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, सभी साथियों को पढ़ना है, रेगुलर अध्ययन करना है, तो यहां पर क्वेश्चन दिया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, ऐसा क्वेश्चन आया है और लगभग सभी लोगों को पता है कि सर फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। विजय जी लाइक कर दो, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कब, 1800 ईस्वी में, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर ठीक है, वेरी गुड। इसकी स्थापना किसने की थी ये भी आप बता दे जल्दी से। उसके बाद सुख सागर के रचनाकार कौन है, 6 नंबर में सुख सागर के रचनाकार। फोर्ट विलियम कॉलेज शकुंतला नाटक नेवाज का भी है, लल्लू लाल जी ने भी लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर सुख सागर के रचनाकार कौन है ये क्वेश्चन पूछा गया है, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, बाबू हरिश्चंद या फिर मुंशी सदा सुखलाल न्याज। सुनीत जी बताइए, परविंदर जी, विजय गुप्ता, राधिका जी, सभी को बताना है, 6 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। नामबार सिंह जी, आरुषि जी, चयन करिए सुख सागर, सुख सागर के रचनाकार कौन है, तो आपको पता है कि सर मुंशी सदा सुखलाल न्याज, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जब तक एक बार शेयर जरूर कर देना सभी साथी, लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका के रचनाकार बताइए, लाल चंद्रिका बताइए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, लाल चंद्रिका ये किसकी टीका मानी जाती है, लाल चंद्रिका किसकी टीका मानी जाती है, रीता कांत जी, विजय गुप्ता जी बताएं ये किसकी टीका मानी जाती है, चयन करना है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सभी साथी ले सकते हैं। अभी दोस्तों नया बैच चालू हुआ है, हिंदी भाषा का चैप्टर चल रहा है, हिंदी भाषा का चैप्टर चल रहा है और आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल तैयारी करवाई जाएगी वहां पर। ठीक है, तो लाल चंद्रिका की रचनाकार कौन है, उत्तर है लल्लू लाल। ये किसकी टीका मानी जाती है लाल चंद्रिका, बताइए, राइट आंसर बताना है। और यहां पर आपका उत्तर है बहुत बढ़िया, कुमुद सिंघल जी ने बताया है कि सर ये जो लाल चंद्रिका है ये टीका है, और ये टीका किसकी है ये बताया है बिहारी सत्सई। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, 8 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। संजू जी बताइए, मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। और ऐसे सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की लिंक दी है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ऊपर देखेंगे तो वो लिंक दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, मनोज गुप्ता जी, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को। प्रैक्टिस सेट भी है, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट है ना, रिकॉर्डेड कोर्स भी है, लाइव क्लासें भी है दोस्तों, है ना। तो मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का उत्तर है बी, यानी कि गोरखनाथ। गोरखनाथ आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, गोरखनाथ आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना, यह क्वेश्चन पूछा गया और आपने सही उत्तर बताया कि सर गोरखनाथ को, है ना, जो कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग बताइए और चयन कर दीजिए, शेयर भी कर दें दोस्तों तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पर प्रेम सागर के लेखक कौन है,
इसके बाद 9:45 पर टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर एक क्लास आती है आप सभी साथियों के लिए 9:45 पर, वो क्लास भी आप सभी को देखना है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, प्रेम सागर के लेखक कौन है, इंशाल्लाह खां है, सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है जल्दी से बताइए। प्रेम सागर, प्रोफेसर प्रेम के सागर ने लल्लू लाल, लल्लू लाल प्रेम के सागर में कूद पड़े, ठीक है, कूद पड़े, इस प्रकार से याद कर लेना जी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ, तो बताइए किसके माध्यम से हुआ। ये चार विकल्प आपके सामने हैं, लाइक तो कर दो फटाक से सभी साथी, है ना, लाइक करिए जल्दी से। तो बताओ किसके माध्यम से हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन चालू हुआ था, किरण चौधरी, भावना जी, लाड मेकाले, या फिर किसके माध्यम से, तो सभी लोग क्या बता रहे हैं, है ना, ये अपना उत्तर है गिलक्राइस्ट, गिलक्राइस्ट यानी कि जो डी नंबर है आपका, डी नंबर बिल्कुल सही है, गिलक्राइस्ट आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध किस रचनाकार ने किया था, अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण, अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतर फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध किस रचनाकार ने किया था। दोस्तों अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। 11 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण किसने किया था, नीता कुमारी जी, और 11 नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर है सदल मिश्र, सदल मिश्र यानी कि आपका जो ये डी नंबर है, सदल मिश्र आपका राइट है। अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में दोस्तों रूपांतरण किया था सदल मिश्र ने, शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। हिंद, हिंदू, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, हिंद, हिंदू और हिंदी शब्द का। 12 का उत्तर, दो विकल्प है, आर्यों ने, ईसाइयों ने, या फिर दोस्तों आपके विकल्प में दो और विकल्प आपको यहां पर मिल जाएंगे, दो विकल्प है, यहूदियों ने या फिर मुसलमानों ने। हिंद, हिंदू और दोस्तों बताइए किसने सबसे पहले ये प्रयोग किया था 12 नंबर के क्वेश्चन में, आर्यों ने या फिर मुसलमानों ने, चयन करो, ये क्वेश्चन है आपके। तो आपका सही उत्तर है आकांक्षा गुप्ता जी की, सबसे पहले हिंद, हिंदू ये शब्दों का प्रयोग किया था दोस्तों किसने, मुसलमानों ने, तब आपका राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर जिन्होंने भी बताया वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है, किस सती में मिलता है, ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है, चयन करिए। रुद्र सागर जी, सुषमा जी, निरंतर क्लासों को दोस्तों अब निरंतर आपको पढ़ना है, अध्ययन को बढ़ाना है। ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है 14वीं सती से, 10वीं सती से, 17वीं सती से या फिर 11वीं सती से। ब्रजभाषा जिसका अन्य नाम है पिंगल, पिंगल अपन को याद रख लेना, और 13 का उत्तर है कि सर 14वीं सती से आरंभिक रूप इसका मिलता है 14वीं सती, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, कड़ी बोली में रचित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक गद्य पुस्तक के रचयिता कौन है, चंद छंद वर्णन की महिमा इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, ये रचना किसकी है। अरुण जी, निधि दुबे जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी है, आप ऊपर देखेंगे तो नीले कलर में दोस्तों आपको एक लिंक दिख रही होगी, है ना, उस लिंक से आप सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, है ना, और जिनको एडमिशन लेना है वो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन भी ले सकते हो, ठीक है। तो खड़ी बोली में रचित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक गद्य पुस्तक के लेखक कौन है, 14 का उत्तर बताना है, 14 नंबर में सभी लोग बता रहे कि सर वो है कवि गंग या फिर गंग कवि, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बोले चंद छंद वर्णन की महिमा, है ना, गंगे, गंगा पर कवि बता रहे थे, गंग कवि बता रहे थे, ऐसे भी याद कर सकते हो। नाभादास कृति अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है, 15 में, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है, कृष्ण की,
विष्णु की, ब्रह्मा या फिर राम की दिनचर्या। नागेंद्र जी, सुनीता वर्मा जी, चयन करिए जल्दी से। नाभादास की कृति, नाभादास की कृति अष्टयाम नामक पुस्तक में किसके दिनचर्या का वर्णन है, किसकी दिनचर्या का वर्णन है? 15 क्वेश्चन नंबर 15 और 15 में सभी लोग आंसर बता रहे कि सर वो है राम की दिनचर्या अष्टयाम में। ठीक है, नेक्स्ट है, उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति मानी जाती है, उर्दू साहित्य की कौन सी मानी जाती है? 16 में उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति कौन सी मानी जाती है? तनु जी, आनंद जी, सभी लोग बताइए जल्दी से, उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति। 9:45 से टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास रोज रोज मिलेगी दोस्तों, है ना, और रोज टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर आपको 7:15 से मिलेगी। ठीक है, और सुबह 10 बजे क्लास मिलेगी टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर, रात्रि 9:45, रात्रि 7:15 और सुबह 10 बजे से ये क्लासें आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, और सेल्फ स्टडी पे सुबह 9:30 बजे मिलती है आपको, है ना। इसको याद करें तो उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? तिलावतुल वजूद, है ना, यानी कि आपका जो 16 नंबर का उत्तर है वो, सॉरी 16 नंबर में आपका सबरस बताना है, सी नंबर आपका होगा सबरस आपका सही है दोस्तों, सबरस राइट आंसर है। ठीक है, कुबलाई माला कथा ये किसकी कृति है? 17 का उत्तर है कुबलाई माला कथा, मुल्ला भजी बिल्कुल सही है, ममता जी कुबलाई माला कथा किसकी कृति है? उद्योतन सूरी की है, है ना, या फिर सोमप्रभ सूरी की, सारिभद्र सूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं, चयन करना है। बीनू सरोज जी शेयर भी कर देना है, कुबलाई माला कथा किसकी कृति है? 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर के क्वेश्चन में लगभग सभी को पता है उद्योतन सूरी यानी कि आ नंबर उद्योतन सूरी की कृति है कुबलाई माला कथा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 18 में ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्रज भाषा गद्य का सिद्धों ने, जैनों ने, गोरखपंथी योगियों ने, या फिर आलवारों ने, किसने किया है? 18 नंबर का प्रश्न है, सभी लोग चयन करिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? आचार्य शुक्ल के अनुसार 18 नंबर का क्वेश्चन है, और 18 नंबर का क्वेश्चन है गोरखपंथी योगियों ने किया है ब्रज भाषा गद्य का सबसे पहले प्रयोग, है ना, किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो उत्तर आपका कहां जाएगा? सी नंबर की ओर जाएगा, बिल्कुल सही है। खड़ी बोली गद्य में रचित पंचांग, है ना, पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की खड़ी बोली गद्य में किसने की? नया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दो में से बता दो। पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की है? 19 नंबर का क्वेश्चन है, और जल्दी से बताइए दीपक गिरी जी, जल्दी से बताओ परविंदर जी, अनीता जी, सुनीता जी, पंचांग दर्शन ये ज्योतिष ग्रंथ है, और ये मथुरानाथ शुक्ल द्वारा रचित है दोस्तों। पंचांग दर्शन ये खड़ी बोली गद्य में रचित रचना है, पंचांग दर्शन, है ना, किसकी? मथुरानाथ शुक्ल। ठीक है, लाइक कर दो सभी साथी दोस्तों, रोज रात्रि 9 बजे क्लास आती है सभी साथियों के लिए, बढ़िया प्रैक्टिस, नए नए क्वेश्चनों पर अपन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर है, सदल मिश्र कहां के निवासी थे? आरा बिहार के, पटियाला आगरा, या फिर नई दिल्ली के? सदल मिश्र कहां के निवासी थे? 20 नंबर का क्वेश्चन है, सदल मिश्र कहां के निवासी थे? ममता जी चयन करना है, सदल मिश्र कहां के निवासी थे? पटियाला के थे क्या, आगरा, या फिर आरा विहार के? सदल मिश्र, और वंदना जी ने बिल्कुल राइट आंसर लगाया कि सर सदल मिश्र जो थे ये आरा के थे, आरा विहार। ठीक है, सदल मिश्र आरा विहार के थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मेराजुल आस्कीन,
इसके लेखक कौन है? मेरा जो लास्किन के लेखक कौन है? मेरा जो लास्किन 21 नंबर में निधि दुबे जी। चयन करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए सभी साथी। 9:45 पर टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी साथी, बेल आइकन को दबा देना ताकि इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मेरा जो लास्किन के लेखक कौन है 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर मेरा जुल आस्किन आस्किन है ना, और सभी का उत्तर है ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज है ना। ये अपन को याद रख लेना, इनकी रचना है मेरा जुल आस्किन। तो ख्वाजा बंदा, बंदा बोले आस्किन है ना, अपन को याद रख लेना आस्किन ठीक है। बंदा ख्वाजा ख्वाजा बंदा नवाज है गैसुदराज ठीक है, बहुत बढ़िया। इतिहास तिमिर नाशक, इसके लेखक कौन है 22 नंबर में? इतिहास तिमिर नाशक, इतिहास तिमिर नाशक बताना अनीता सरोज जी, इसके रचनाकार बताना है और सभी लोग बताएंगे इतिहास तिमिर नाशक। इसके रचनाकार राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा सदल मिश्र या फिर लल्लू लाल। चयन करिए सुमन ऑफिशियल इतिहास तिमिर नाशक, इतिहास तिमिर नाशक 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को आंसर बताना है इतिहास तिमिर नाशक। सभी का आंसर आया कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे है ना। तो सितारे क्या होते हैं? सितारे तिमिर नाशक होते हैं, तिमिर है ना, तिमिर नाशक होते हैं कौन? सितारे, सितारे तिमिर नाशक होते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना इतिहास तिमिर नाशक ठीक है। खुसरो की खालिक बारी में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? खुसरो की खालिक बारी में भाषा के लिए बताना है, भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? हरीश सरोज जी, प्रतिभा मिश्रा जी, 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, चयन करना है 23 का। तो खालिक बारी में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, ये क्वेश्चन बताना है। और आपका राइट आंसर है कि सर वो किया गया हिंदवी, हिंदवी अपन को याद रख लेना ठीक है। ये भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब हुआ? 24 में राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब हुआ? 12वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से, 13वीं शताब्दी से या फिर 9वीं शताब्दी से? राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब हुआ है? राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब हुआ है? राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 24 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात बताना है किरण चौधरी जी, रीना तिवारी जी, सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सर राजस्थानी गद्य का सूत्रपात इसकी बात करोगे तो वो हुआ है 10वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 10वीं शताब्दी से राजस्थानी गद्य का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? सरिता जी, आस्था सिंह जी, चयन करिए। जिन भी साथियों को सेल्फ स्टडी क्लासेस में एडमिशन लेना अभी मौका है, 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, 1500 में 12 महीने, इतना सस्ता कोर्स है ना, सभी के लिए है दोस्तों, सभी साथियों के लिए 1500 में 12 महीने के लिए। जिनको नोट्स मंगवाना है 3000 एमसीक्यू की बुक 599 में है ना, गद्य पद्य साहित्य की दोस्तों जो बुकें हैं, जो आपके नोट्स हैं वो 1600 में पोस्ट चार्ज सहित, और अगर 3000 एमसीक्यू गद्य पद्य साहित्य तीनों मंगवाना चाहते हैं तो आप 2100 रुपए में दोस्तों घर बैठे पोस्ट चार्ज सहित मंगवा सकते हैं ठीक है। तो 25 का उत्तर यहाँ पर पूछा गया और आपका उत्तर है चंद छंद वर्णन की महिमा, ये खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। इनके अनुसार सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो कि गंग कवि की है, दौलत राम जैन द्वारा लिखित गद्य की पुस्तक है, कौन सी है? दौलत राम जैन द्वारा लिखित, ममता जी, रमा शर्मा जी, मिथिलेश जी, दौलत राम जैन द्वारा लिखित गद्य की पुस्तक कौन सी है? गद्य की पुस्तक बताना है, इतना बढ़िया और शानदार क्वेश्चन। रोज रात्रि 9 बजे ऐसी क्लास चलती है दोस्तों, आप सभी साथियों के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है, दौलत राम जैन द्वारा लिखित गद्य की पुस्तक है तो कौन सी है? सभी लोग बताएंगे, 26 नंबर का क्वेश्चन है और वो कौन सी है? सेवक चरित्र, कौन सी है दोस्तों? सेवक चरित्र ठीक है, ये पुस्तक है गद्य की
लिखित गद्य की पुस्तक कौन सी है? सेवक चरित्र, यानी कि आपका सी नंबर दौलत राम जैन द्वारा लिखित है, गद्य की पूछी है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके द्वारा रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी लगभग सभी को पता है, चयन करो जल्दी से फटाक से। प्रीति कुमारी जी, रानी केतकी की कहानी बोलो सर, रानी केतकी की कहानी। आदर्श जी, राजीव रेखा जी बताइए। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो, ऊपर लिंक दी है सभी साथियों को। 9:45 पर, 9:45 पर क्लास करना है आपको। काय की दोस्तों है ना, टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर, टिर्की गुरु। ठीक है, रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां ने सुनी बोले रानी केतकी की कहानी। ठीक है, निखरे हुए खड़ी बोली, निखरे हुए खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी? निखरे हुए 28 में, निखरे हुए खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, भाषा योग वशिष्ठ, प्रेम सागर या फिर नासी केतो पाख्यान, यानी कि 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे है ना, निखरे हुए खड़ी बोली गद्य की पहली रचना। रीना जी क्या उत्तर लगाओगे आप? खड़ी बोली गद्य की, निखरे हुए खड़ी बोली गद्य की। बीनू सरोज जी उत्तर लगा रहे हैं क्या? सी नंबर, यानी प्रेम सागर, ये निखरे हुए खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। आपका उत्तर सी नंबर आपका सही है, सी नंबर, निखरे हुए खड़ी बोली गद्य की, खड़ी बोली गद्य की है ना। तो आपका 28 का बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर 28 में आप सी नंबर लगा दो, प्रेम सागर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे, प्रेम सागर में किसकी कथा वर्णित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 29 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम सागर में किसकी कथा वर्णित है? कथा वर्णित है श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत नवम स्कंद, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद, या फिर श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद। प्रेम सागर में किसकी कथा वर्णित है? तो राइट आंसर आपको चयन करना है, चयन करिए सभी लोग बताइए, प्रेम सागर में किसकी कथा वर्णित है? राइट आंसर सभी का श्रीमद् भागवत दशम स्कंद, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है, सी राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में पहली नियुक्ति किसकी हुई थी? 30 नंबर का क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में पहली नियुक्ति किसकी हुई थी? पहली नियुक्ति बताना है, पहली नियुक्ति किसकी हुई थी? जल्दी से, फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी, भाषा मुंशी के पद पर, भाषा मुंशी के पद पर बताइए। 30 का उत्तर, और 30 नंबर में उत्तर है कि सर लल्लू लाल जी की नियुक्ति हुई थी भाषा मुंशी के पद पर। ठीक है, नेक्स्ट है, संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की? 31 नंबर में, संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की? इंशाल्लाह का संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की? संस्कृत प्रेस, राइट आंसर चयन करना है, और सभी लोग बता रहे कि सर संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की थी? इंशाल्लाह का जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र या फिर लल्लू लाल जी ने संस्कृत प्रेस की। और संस्कृत प्रेस यानी कि 31 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का उत्तर है डी, यानी कि लल्लू लाल जी ने संस्कृत प्रेस की स्थापना की थी। दोस्तों डी नंबर आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन की रचनाकार कौन है? 32 में सुषमा जी, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? हरि जी, बैकुंठ मणि, नाबादास या फिर विठल नाथ? ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? 32 नंबर का उत्तर बताना है, 32 का राइट आंसर आपका क्या जा रहा है?
ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक, श्रृंगार रस मंडन, किसके रचनाकार कौन है? 32 नंबर में सभी साथियों ने उत्तर लगाया कि सर श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस कर दिया किसने? बोले बैठे बैठे श्रृंगार रस कर दिया, श्रृंगार का रस, श्रृंगार रस किसने कर दिया? विट्ठलनाथ। आदिकालीन गद्य की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? 33 नंबर में आदिकालीन गद्य की रचना कौन सी नहीं है? जिन भी साथियों को एडमिशन लेना अभी भी मौका है, मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हो आप 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, ठीक है? आदिकालीन गद्य की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे आदिकालीन गद्य की रचना। देखो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है, लेकिन कीर्ति लता नहीं है। कीर्ति लता आदिकालीन गद्य की रचना नहीं है, गद्य की नहीं है, तो आपका जो सी नंबर है 33 में वो बिल्कुल सही है। 33 में सी नंबर, रानी केतकी की कहानी किस शैली में लिखी गई? 34 में रानी केतकी की कहानी किस शैली में, दोस्तों बताइए किस शैली में लिखी गई है? 34 का उत्तर आपको बताना है। 34 में आपका उत्तर है कि सर रानी केतकी की जो कहानी है वो किस शैली में लिखी गई? 34 में उत्तर है हास्यात्मक शैली में, यानी कि आपका जो बी नंबर है हास्यात्मक शैली, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नासी केतुपाख्यान का दूसरा नाम है तो क्या है? 35 नंबर में नासी केतुपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? निशाजी, आस्था जी, शेयर कर दिया करो दोस्तों एक बार जल्दी जल्दी से, ठीक है? नासी केतुपाख्यान का दूसरा नाम बताना है। उदयभान चरित है, चंद्रावती है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं है 35 नंबर में। और नासी केतुपाख्यान का जो दूसरा नाम है यानी कि 35 में आपको बताना है, और आपका उत्तर है कि सर वो है नासी केतुपाख्यान का क्या नाम है? नासी केतुपाख्यान जिसके रचनाकार सदल मिश्र माने जाते हैं, इसका दूसरा नाम है चंद्रावती, यानी कि आपका जो बी नंबर है चंद्रावती आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? सदल मिश्र की भाषा की विशेषता बताना है। पूर्वीपन है, उर्दू की प्रमुखता है, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा है, या फिर किस्सा गोई है? नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिख रही होगी, वो लिंक है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, सभी साथी डाउनलोड कर लेना। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? 36 नंबर का क्वेश्चन है, 36 नंबर में, और आपका उत्तर है कि सर सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है क्या है? पूर्वीपन है क्या? या फिर उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रभावमयी भाषा है? बताइए। तो आपका उत्तर है कि सर पूर्वीपन, इसकी विशेषता पूर्वीपन है ना, तो आपका जो का नंबर है इसमें का नंबर लगा दो, ये नंबर पूर्वीपन एक विशेषता मानी जाती है इनकी। गिलक्राइस्ट के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कैप्टन विलियम प्राइस की नियुक्ति कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिलक्राइस्ट के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कैप्टन विलियम प्राइस की नियुक्ति कब हुई? विलियम प्राइस की नियुक्ति कब हुई? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 37 नंबर के क्वेश्चन में। तो आपको पता है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है? उसके बाद कैप्टन विलियम प्राइस की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी कब? 1824 ईस्वी में। कब हुई थी? 1824 में किसकी? कैप्टन विलियम प्राइस की नियुक्ति हुई थी, ठीक है? तो आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? आर्पन प्रेस, आर्पन प्रेस की स्थापना कहां हुई? आर्पन प्रेस, नीतू सिंह, विनीता जी, आर्पन प्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? 38 नंबर का क्वेश्चन है, आर्पन प्रेस इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? 38 नंबर का उत्तर राइट आंसर है, आर्पन प्रेस
मिर्जापुर, कहां पर हुई थी? मिर्जापुर में। और मिर्जापुर में कौन सी बोली बोली जाती है? बोले सर भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी, मिर्जापुर में, है ना। और अर्पण प्रेस की स्थापना मिर्जापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे? गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। ये किसने कहा था? अच्छे से पढ़ लो कि किसने कहा कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे? ये कथन बताना है किसका है। 39 नंबर में, 39 नंबर का क्वेश्चन है, ये कथन किसका है बताइए। व्याकरण की शुद्धता, है ना। और दोस्तों कहा गया कि भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी जब तक, है ना, जब तक दोस्तों इनका क्या है ना स्मरण बना रहेगा। इस प्रकार से ये जो कहा है, ये कहा है किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल जी ने। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है अभी ले सकते हो दोस्तों। अभी अभी विस्तृत अध्ययन में पेड क्लास में साहित्य उद्यान जी नया बैच चालू हुआ है। अभी हिंदी भाषा का चैप्टर चल रहा है सबसे पहला, जिसको हम विस्तृत पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा, है ना। राजा लक्ष्मण सिंह किस भाषा के पक्षकार थे? 40 में किस भाषा के पक्षकार थे? उर्दू निष्ठ हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी या फिर खड़ी बोली? राजा लक्ष्मण सिंह, जल्दी से बताइए। प्रियंका उपाध्याय जी चयन करिए। 40 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का उत्तर है कि जो राजा लक्ष्मण सिंह थे ये किस भाषा के पक्षकार थे? संस्कृत निष्ठ हिंदी के। संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षकार थे ये। कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने एक पत्र निकाला था प्रजाहितैषी, ठीक है, सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जब तक सभी साथी लाइक करो। हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान है तो किसका? हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? रजन जी बताइए, सरिता जी, राजरानी डॉक्टर नीता जी बताइए। 41 नंबर के क्वेश्चन में 41 का सही उत्तर, हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है ये बताइए। तो उत्तर है कि सर 41 में आर्य समाज, आर्य समाज का योगदान। हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? आर्य समाज का है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा के रूप में मिलता है? 42 में हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा के रूप में मिलता है? राजस्थानी भाषा के रूप में, मराठी भाषा के रूप में, गुजराती भाषा के रूप में या फिर मैथिली भाषा के रूप में? हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा के रूप में मिलता है? 42 का उत्तर है, सभी साथी लाइक तो कर देना। और आपका उत्तर है कि सर हिंदी गद्य का जो प्राचीनतम रूप मिलता है वो मिलता है किस भाषा के रूप में? राजस्थानी भाषा के रूप में, ठीक है। तो आपका ये नंबर बिल्कुल सही है। शेरणी जी, वीरेंद्र जी, ये नंबर राजस्थानी भाषा के रूप में। अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शकुंतलम का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किसने किया? 43 का उत्तर शेयर कर दो। और 9:45 पर टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल, टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लास आने वाली दोस्तों, सभी लोग टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। 9:45 पर क्लास आएगी जिसमें भक्ति काल की क्लास आएगी दोस्तों, भक्ति काल। अभिज्ञान शकुंतलम खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किसने किया है? 43 का उत्तर चयन करना है, सभी का उत्तर है कि सर वो किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। ये नंबर आपका सही है। माधव बिलास के रचनाकार कौन है? माधव बिलास। 44 नंबर का क्वेश्चन है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथी ऐप डाउनलोड करें। जिनको एडमिशन लेना है एडमिशन ले सकते हैं, जिनको नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के नोट्स भी मंगवा सकते हैं, एमपीटेट वाले, टीजीटी पीजीटी केबीएस वाले सभी साथी मंगवा सकते हैं दोस्तों। माधव बिलास के रचनाकार कौन है? 44 का एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया है और आपका उत्तर है का नंबर, यानी कि लल्लू लाल। ये माधव बिलास के रचनाकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? लल्लू लाल माने जाते हैं, माधव बिलास के रचनाकार लल्लू लाल। बहुत बढ़िया। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 45 नंबर का क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? सभी बताएंगे जल्दी से। 45, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना दोस्तों 1854 में। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग बताइए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस भाषा के समर्थक थे, किस भाषा के समर्थक थे। 46 का उत्तर चयन करना है और सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का नीचे लिंक दी है ऐप की, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस भाषा के समर्थक थे, ये 46 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। सभी साथियों का उत्तर है कि सर ये जो जन थे वो किस भाषा थे, शिव प्रसाद सितारे हिंद किस भाषा के समर्थक थे, उर्दू के, किस भाषा के समर्थक थे, है ना, ऐसी भाषा के समर्थक थे दोस्तों जिसमें अरबी फारसी के भी शब्द हों, है ना। तो यहां पर आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है भूगोल हस्ता मलक के लेखक कौन है, भूगोल हस्ता मलक इसके लेखक कौन है, भूगोल हस्ता मलक लास्ट क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे। 47 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर है भूगोल हस्ता मलक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आते हैं कि दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें सभी साथी, ठीक है। और जिन भी साथियों ने से अभी तक नोट्स नहीं मंगवाए इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स भी आप मंगवा सकते हो, ठीक है। सभी साथी ये 3000 MCQ की बुक है, आपको यहाँ पर दिख रही 599 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। MP TET वाले, TGT, PGT, KBS जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज इसमें MCQ है, आदिकाल, भक्तिकाल, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, इसका इस प्रकार के, तो जिनको भी मंगवाना है दोस्तों जरूर मंगवाए ये, है ना। और तिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर अब आपको क्लास मिलने वाली है भक्तिकाल की, तो वो जरूर देखें। इस TGT PGT वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हो आप 1500 में सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जाकर, है ना। रमा जी, शांति जी, आराधना, निशा जी, सुनीत जी, निधि दुबे जी, प्रमोद जी, रजन जी, नीलम जी, अनिल जी मेहरा, राजीव जी, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहे, ये 9 बजे क्लास चलती है रोज, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद, तिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर 9:45 पर, ठीक है।